डर तो लगता ही है ऑपरेशन में। अब 3 दिन के अंदर रिकवरी, चलना फिरने लग गई, सब कुछ ऐसे लग ही नहीं रहा था ऑपरेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे बहुत ही खास पेशेंट हैं हमारे, जिनका हमने कि दूरबीन का ऑपरेशन किया है, जिसका कि बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन यानी कि टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी हमने किया था। और ये ऑपरेशन हमने आज से 21 दिन पहले किया था, तो 21 दिन के बाद कैसा वो महसूस कर रहे हैं वो आज द्वारिका जी हमें बताने जा रही हैं। द्वारिका जी के साथ उनकी बेटी हैं भावना जी, जो कि खुद एक डॉक्टर हैं, BMS डॉक्टर हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। तो वो भी बताएंगी कि आखिर ऑपरेशन के दौरान उनकी फीलिंग कैसे थी, कैसे उनकी ये जर्नी रही और ये आज 21 दिन बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल ठीक महसूस करती हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है चलने फिरने में, खाना तो बना लेती हूँ, कोई दिक्कत। आपने जब ऑपरेशन कराया था तो ऑपरेशन कराने से पहले आपकी बहुत सारी क्वेरीज होंगी, बहुत सारे डर होंगे मन में, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि एग्जैक्टली आपके मन में क्या चल रहा था और कैसे आपने उनसे ओवरकम किया, कैसे आपने उनको फेस किया? डर तो लगता ही है ऑपरेशन से मैडम। डर क्यों लगता है, तो वही तो हम पूछना चाहते हैं, हम इसी यही मेंटेलिटी हम समझना चाहते हैं, आखिर ऑपरेशन से डर क्यों लगता है, ऐसा क्या आप लोगों को फील होता है ताकि हम उस चीज को दूर कर सके ना, आगे जो भी मरीज अपना इलाज करा सके, क्योंकि इलाज नहीं कराने का सबसे बड़ा कारण है डर। अगर आप अपने इलाज करने वाले से यानी आपकी बीमारी दूर करने वाले से आप डरेंगे तो इलाज कैसे हो पाएगा? आप खुद भी एक डॉक्टर है मामना जी, तो क्या आप बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या डर है? आप भी मरीज देखते हैं, आप एक मरीज भी हैं और एक डॉक्टर भी, आज आप एक पेशेंट के अटेंडेंट है जो कि आपकी खुद की मदर है, तो आप जरा एक बार बताएंगे कि आपके पास भी पेशेंट आते हैं तो आप उनसे कैसे डील करते हैं या उनको कैसे समझाते हैं? अब आपके दोनों पॉइंट, आपके दोनों पर्सपेक्टिव आपके अंदर है, एज ए डॉक्टर, एज ए पेशेंट और एज ए अटेंडेंट। मैम एक्चुअली हम लोग बीकानेर से हैं, तो वहाँ पे हमने सब जगह दिखाया, ब्लड लॉस इनका बहुत ज्यादा हो गया था, तो वहाँ पे उन्होंने मैम ओपन सर्जरी की एडवाइस की थी, बड़ा चीरा लगा के, जो कि बहुत पेनफुल और रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फिर हमने आपके बारे में ये जो यूट्यूब वीडियोस वगैरह से जाना, और जब हम यहाँ आए तो आपसे कंसल्ट कराते हम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड थे कि यहाँ हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, अच्छे से ऑपरेशन हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। 3 दिन के अंदर रिकवरी, चलना फिरने लग गई, सब कुछ ऐसे लग ही नहीं रहा था ऑपरेशन हुआ, और 7 डेज 10 डेज में तो बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैम हम आपके ट्रीटमेंट से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, और लोगों को भी एज ए डॉक्टर मैं एडवाइस करूंगी कि आपसे ट्रीटमेंट कराएं अगर सर्जरी करवानी हो। भावना जी एक बात, आपने बोला कि आप मुझसे पूरी तरह सेटिस्फाई हैं, जब आप मुझसे मिले तो आपको बहुत अच्छा लगा, तो मैं वो एक कोई पॉइंट जानना चाहूंगी कि आपको कौन सी मेरी कोई बात अच्छी लगी है जिससे कि आपको ये लगा कि डॉक्टर आपका सही ऑपरेशन करेगी, आप और भी डॉक्टर से मिलके आए थे तो आपको कहीं ना कोई तो डिफरेंस आपको लगा होगा, कोई तो चीज आपको क्लिक करी होगी, एक होता ना मूवमेंट क्लिक करने वाला जिससे अपने लगता है कि यार ये चीज एकदम सही है, परफेक्ट है मेरे लिए, आई शुड चूज इट, तो वो कौन सी आपको वो चीज लगी? मैम मैंने आपसे जो भी चीजें पूछी आपने मुझे बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से समझाई, मम्मी को लेकर आई मैं, उनको भी आपने बहुत अच्छे से समझाया, और डॉक्टर्स के पास हम गए तो ऐसा नहीं था, तो ये चीज मुझे आपकी। एक चीज हम रिवाइज कर लें कि जब आप आए थे तो आपने क्या क्या सवाल पूछे थे, क्योंकि दर्शकों के मनों में भी वही सवाल होते हैं, अगर आप वो एक बार रिपीट करेंगे तो हो सकता है कि सबको समझ में आ जाए कि ये कॉमन क्वेरीज और ये उसके आंसर है। एक्चुअली ब्लड लॉस बहुत ज्यादा था, 15 डेज में बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग, 15 डेज वन मंथ पीरियड चलता था, और एनीमिक भी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो मैंने मैम से पूछा कि क्या करवाना चाहिए। मैम की एज, मम्मी की एज 52 है, तो मैम ने सलाह दी कि यूट्रस रिमूव करना चाहिए और साथ में साल्फिन जो ऊफरेक्टोमी भी करनी चाहिए, जो कि एडवांस एज के लिए जरूरी, ताकि मैम ने अभी का नहीं सोचा, मैम ने आगे का भी सोचा कि आगे भी इनको कोई डिजीज ना हो, तो ये चीज जान के मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत अच्छे से समझाया, और हम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं आपके ट्रीटमेंट से। ऑपरेशन कराने से पहले जो आपने डिसीजन लिया, वहां हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आपके मन में एक डर था ऑपरेशन को लेके कि मुझे ऑपरेशन कराएंगे, तो क्या क्या डर था, अच्छा यही शेयर कर दीजिए एक बार कि क्या डर लग रहा था, क्या आपको क्या होगा? मम्मी कह रही थी कि जनरली बड़ा चीरा लगता है, एडिशन हो जाता है, पेशेंट अपने काम नहीं कर पाता ये सब, बट यहाँ पे सर्जरी लैप्रोस्कोपी से, आप एक्सपर्ट हैं मैम लैप्रोस्कोपी में, तो बहुत अच्छा रहा और बहुत जल्दी इन्होंने रिकवर किया, तो एज सच पेन भी नहीं। अब मैं कर लेती हूँ हल्के फुल्के काम करके, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, नाश्ता खाना सब बना लेती हूँ। मैम वी विल थैंक यू फॉर घर में कोई भी करने वाला नहीं है, लड़के की मेरे को करनी पड़ती है। ये सारी लेडीज की एक ही कहानी आंटी, हर लेडीज का यही प्रॉब्लम है कि मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है, मेरे घर में मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मैं ऑपरेशन करा लूंगी तो उनको कौन देखेगा। वो कॉलेज वाला लड़का है, वो कॉलेज जाता है, उसकी मेरे को नाश्ता बनाना पड़ता है।
लेकिन ये तो समझे ना कि हम अगर इस चीज को सोचते हुए अगर अपना इलाज ही पोस्टपोन करते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उनको देखने वाला कोई नहीं बचेगा घर में। तो टाइम रहते अपना इलाज करा, जैसे आपने बोला 15 दिन के अंदर आपको बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था, तो इतना ब्लड लॉस होने के बाद तो वैसे भी आप कुछ करके देने लायक नहीं बचेंगे। तो अगर आप उस, तो आप इस स्थिति को अगर और आगे बढ़ाते तो क्या होता, रिजल्ट अच्छे तो नहीं होते। तो आपने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, सही डिसीजन लेके सही ऑपरेशन कराया और आज आपका रिजल्ट 21 दिन बाद आप एकदम खुश हैं, बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। क्योंकि हम एक दिन बाद का भी वीडियो बनाते हैं तो एक दिन 10 दिन बाद का भी बनाते हैं, 7 दिन बाद का भी बनाते हैं, आज 21 दिन बाद भी। यानी कि पेशेंट की जर्नी बिल्कुल स्मूथ है। पेशेंट 12 घंटे के अंदर, आप जब मॉर्निंग में जब सर्जरी हुई थी रात में, सुबह आप सर्जरी कराने के बाद मॉर्निंग में आप आराम से उठ बैठ पाए थे आराम से, बढ़िया। तो आपको खाना पीना सब पहले दिन बता दिया था, सब खा पी पा रहे थे आराम से, चल फिर पा रहे थे, नॉर्मल नहाने धोने में आपको कोई तकलीफ हो रही थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था। तो अब आप एक लाइन अपनी तरफ से, आप जैसी लेडीज जो बीमारियां पाल के और परिवार के अफेक्शन के चक्कर में, क्योंकि भारतीय नारी के लिए परिवार यानी परिवार पति और बच्चे बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ मेरे यही है, लेकिन आप भी उनकी सब कुछ हैं। तो अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो उनका ध्यान आगे कौन रखेगा? हम अपना सोचेंगे तभी परिवार स्वस्थ रह पाएगा। अपना सोचने का मतलब ये नहीं कि हम सेल्फिश हैं, हम हमारा ध्यान रखेंगे जभी तो परिवार का ध्यान रख पाएंगे। आप समझा दीजिए एक बार, क्योंकि एज अ डॉक्टर आपका भी उतना ही फर्ज है जितना मेरा फर्ज है समाज का ध्यान रखना। एक्चुअली लेडीज क्या करती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स इग्नोर करती रहती है कि तो घर वालों को हैम्पर होगा, हम थोड़े से भी हॉस्पिटल जाएंगे, मेडिसिन लेंगे, लेकिन यही प्रॉब्लम आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती है और फिर शायद उनको ज़्यादा हैम्पर होना पड़ेगा परिवार वालों को, इसलिए जल्दी से जल्दी डॉक्टर से सलाह लेके अपना टाइम पर ट्रीटमेंट कर जाती हूँ। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी भावना जी और द्वारिका जी, आप हमारे शो में आए, आप अपने फीलिंग शेयर की और हमारे दर्शकों को कुछ इंसाइट दिया कि ऑपरेशन से डरना नहीं चाहिए और दूरबीन के ऑपरेशन में किसी प्रकार का कोई दर्द तकलीफ नहीं होती, जैसा कि हम बार बार हर मरीज को कहते हैं, लेकिन हम जो कहते हैं उसका विश्वास बहुत कम लोग कर पाते हैं, जो कर पाते हैं उसका फायदा भी उठा पाते हैं। तो एक ही कॉमन मैसेज है द्वारिका जी का, भावना जी का और मेरा कि अपने बीमारी को पाले नहीं पोसे नहीं और उसका प्रॉपर इलाज कराइए और समय रहते इलाज करा लीजिए ताकि आपकी बीमारी आगे बढ़े नहीं और आपका परिवार और आप दोनों ही सफर ना करें और एक अच्छी जिंदगी आगे जी पाए। थैंक यू सो मच।